रसोई ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि इमली की स्वादिष्ट चटनी कैसे बनाई जाती है। इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है इमली, यानी कि टैमरिंड। आप किसी भी प्रकार की इमली बाजार से ले सकते हैं। फिर हमने इस इमली को छोटे छोटे पीसेस में हाथों की मदद से तोड़ दिया है, ठीक इस प्रकार। इसमें रेशे भी हैं और बीज भी हैं। जिस बाउल में मैंने इमली को रखा है उसी में मैं एक लोटा पानी डाल दूंगी। ये गर्म पानी है। अब आप इमली को गर्म पानी में डालकर एक पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, या फिर 3 घंटे से ऊपर आप इसे इसी गर्म पानी में छोड़ दें, ताकि रेशों से जो इमली का पल्प है वो आसानी से निकल सके। एक रात छोड़ने के बाद इमली कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसका पल्प काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैंने हाथों की मदद से इस सारे पल्प को इस तरीके से निकाल लिया है। सारा पल्प पानी में आ जाएगा और रेशे और बीज अलग छूट जाएंगे। तो आप अच्छे से मसल कर सारे इमली के पल्प को निकाल लीजिए। इमली का पल्प निकालने के बाद बारी आती है इसे छानने की। छानने के लिए मैंने एक छलनी का इस्तेमाल किया है और उसके नीचे मैंने एक पतीला रख दिया है। अब मैं इस इमली के सारे पल्प को इस छलनी में डाल दूंगी और एक चम्मच की मदद से इसको सीव आउट करूंगी। टिप यह है कि अगर आपको लगता है आपका पल्प काफ़ी थिक है, काफ़ी गाढ़ा है, तो आप धीरे धीरे पानी डालकर इस पल्प को निकाल सकते हैं। पानी की मदद से भी आप इस पल्प को हल्का कर सीव आउट कर सकते हैं। इस तरीके से बीज और रेशे रह चुके हैं और सारा पल्प निकल कर तैयार है। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के गर्म होते ही उसमें मैंने सारा पल्प इमली का डाल दिया है। अब इसे पकने के लिए कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। इस पल्प को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है और चटनी की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक होगी। तो अभी हमें इसे काफ़ी पकाना है। धीमी आंच पर ही इसको बॉयल होने दें। तो आप देख सकते हैं इमली काफ़ी बॉयल हो चुकी है। तो अब आती है बारी चीनी ऐड करने की, क्योंकि इमली काफ़ी खट्टी होती है, तो उस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हमें चीनी की आवश्यकता होगी। मैंने एक ब्लॉक टैमरिंड का लिया था, इमली का लिया था, और उसमें मैंने एक बाउल चीनी का डाला है। तो इस तरीके से चीनी को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप थोड़ा चीनी थोड़ा गुड़ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो गुड़ ही गुड़ या फिर चीनी ही चीनी या फिर दोनों मिक्स। आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। मैंने यहाँ पर चीनी का ही इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊँगी ताकि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने नमक लिया है। आप स्वादानुसार नमक डालिए, आपको जितना नमक पसंद है उसी प्रकार आप नमक डालें। मैंने 2 बड़े चम्मच नमक के इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे फिर से अच्छे से स्टिर करूंगी। हमें इस इमली की चटनी को तब तक पकाना है जब तक यह गाढ़ी नहीं हो जाती। तो आपको कम से कम 15 मिनट इसे पकाने में ज़रूर लगेंगे। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी काफ़ी पतली है, काफ़ी लाइट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इसीलिए हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, आँच एकदम धीमी रखें। इस तरीके से जब तक इसमें भाप ना आने लगे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बॉयल हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी गाढ़ी दिख रही होगी। बस जब आपको यह दिखे तो बारी आती है इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट डालने की, जो है अमचूर। तो मैंने 1 चुटकी अमचूर ले लिया है, ये 1 टेबलस्पून के बराबर है, और मैंने इसे इसमें डाल दिया है। अब अमचूर को मैं अच्छे से इसमें मिला लूँगी। इस मोमेंट पे भी अपनी इमली की चटनी को आप अच्छे से चलाते रहिए ताकि वह नीचे जमे ना। और ये मैंने अमचूर इसमें अच्छे से मिला लिया है, इसको हम चलाते रहेंगे। बीच बीच में आप टेस्ट भी करते रहिए। अब मैंने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया है। यह भी आप अपने अनुसार डालें, आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो
तो आप ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे रंग भी अच्छा आता है और मिर्च भी इसमें थोड़ी कम होती है। तो आप देख सकते हैं इमली की चटनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और इसी थिक कंसिस्टेंसी में मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी, क्योंकि अभी मिर्च मैंने डाली है। इसे थोड़ी देर और पकाने के बाद इसमें फ्लेवर के लिए भी हम कुछ डालेंगे, ताकि इसमें एक टेस्ट के साथ साथ एक अरोमा भी चलता रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डमम यानी कि इलायची ले ली है, इलायची का पाउडर डाली है, मैंने कुटी हुई इलायची डाली है क्योंकि मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था। तो ये है इमली की चटनी और इसमें मैंने डाल दिया है इलायची। इलायची का फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आता है। इस समय आँच बंद कर दीजिए जब आप इलायची डाल रहे हो। गर्म चटनी में जब आप इलायची डालेंगे उस समय आपकी आँच बंद होनी चाहिए, गैस बंद कर दीजिए, इसे हल्का सा स्टिर कर दीजिए एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये रही इमली की चटनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और ना भी आई हो तो भी ज़रूर करें। धन्यवाद।